हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिए होंगे, हम लोग बात करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन के तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन क्या होगा, केवीएस में कितने दिनों बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है और व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स इन वेटिंग लिस्ट। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा आरटीआई के हवाले से, ठीक है। तो जो आरटीआई डाली गई थी उसमें तीनों क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें क्या आंसर आया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो नीचे आते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द केवीएस पॉलिसी एंड प्रोविजन ऑफ कीपिंग अ वेटिंग लिस्ट फॉर द कैंडिडेट लेफ्ट आउट इन मेरिट लिस्ट इन एनी रिक्रूटमेंट, यानी कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें केवीएस की पॉलिसी क्या है वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में। तो यहाँ पर उत्तर यानी आंसर दिया गया है, यदि मुख्य पैनल में से कोई अभ्यर्थी पदभार ग्रहण नहीं करता है तो उस रिक्ति के नियमानुसार भर्ती वर्ष के रिजर्व पैनल में मेरिट के अनुसार उपलब्ध अभ्यर्थी से भरा जाता है, यानी वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है। तो केवीएस की पॉलिसी एंड प्रोविजन ये है कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उसके पीछे वाला कैंडिडेट जो है रिजर्व पैनल में उसको मेरिट के अनुसार उपलब्ध अभ्यर्थी से भरा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the time period after which any candidate from waiting list is called to join in KVS? Someone does not join from merit list. अगर merit list का कोई candidate अगर join नहीं करता है वह पद, तो उसके पीछे वाला कैंडिडेट है उसको कितने समय के भीतर जो है उसको प्रोवाइड की जाएगी वो जॉब, ऐसा क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया है, स्थिति मुख्य पैनल के संचालक के बाद अंतिम निष्कर्ष पर निर्भर करती है एवं इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यह मुख्य सूची पर समय कार्यवाही होने के बाद ही तय होता है। यानी उनका कहना है कि ऐसा कोई भी एक टाइम पीरियड नहीं है जिसके भीतर जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी वेटिंग लिस्ट। तो जो वेटिंग लिस्ट एक बार अगर प्रोवाइड की जाती है तो उसके बाद ही वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा निश्चित समय नहीं है कि इसी ड्यूरेशन में आपको ज्वाइन किया जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है, बोल रहे हैं उन लोग, कि पैनल के संचालन के अनुसार जो है सारी चीज़ें निर्भर करती है, ठीक है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट वर्सेस वैकेंसीज आर टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर वेटिंग लिस्ट। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है तो कितने कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर है रिक्तियों का 50%, यानी जितने भी पद निकले हुए हैं जितने भी वैकेंसीज होगी उसका 50% जो है वो रखा जाता है रिजर्व, यानी वो मान के चलते कि 50% कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके नीचे वाले जो 50% कैंडिडेट्स होते हैं तो उतने कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उसके नीचे वाले कैंडिडेट को जो है वो जॉब ऑफर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी वरीड होने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी करना होगा केवीएस को तो वो करेगा, ठीक है। आपको वरीड नहीं होना है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वो जब भी आएगी तो आपको ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो आपको इंटीमेट कराया जाएगा एंड इन सम केसेस आपको जो है कॉल भी किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से यह भी देखा गया है कि कॉल भी किया जाता है, अगर वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को कॉल करके भी यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज तो करते ही है। तो बस इतनी बातें करते हैं, अगर इसके अलावा अगर आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को, प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइस।